आ जाने दो जब तक हम लोग देख लेते हैं। और एकदम टफ है कोई ऐसा है सर। आप दरवाजा खोल कर देखिए, आपको हैवीनेस पता चल जाएगा। हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइज, दिन की शुरुआत हो गई है और चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, लेमन टी भी पी ली है और खाना पीना हो गया है। मतलब खाना नहीं हुआ, पीना हो गया है। अभी बैठ के सुबह सुबह इनके होमवर्क वाले काम कर रहे हैं, ये देखो। सो दिन की शुरुआत हुई है कुछ क्रिएटिव काम के साथ। इनके लिए बना रहे हैं हम फ्लावर पॉट, मतलब असेंबली हमें देनी है बना के, और असेंबल ये लोग करेंगे स्कूल में जाके। फिलहाल तो यही सब काम करने में लगे हुए हम लोग। सुबह सुबह एंगेज कर दिए इनके कामों में, बाकी अभी पूजा पाठ करना बाकी है, फिर उसके बाद ही दिन शुरू होगा। सो गाइस, बाहर एक सरप्राइज आया है छोटा सा, और वो सरप्राइज क्या है मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा ही, उसके बाद वी विल डिसाइड कि उस सरप्राइज के लिए जाना है या नहीं जाना है। पहले तो देख लेते हैं सरप्राइज, देखते हैं भले क्या चीज़ है। और फिर आपको मैं उसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल तो सीधा बाहर चलते हैं पहले। कलर ये वाला? जी हाँ। ऐसे तो बड़ी लग रही है सर, बहुत बड़ी है अंदर से ना, बहुत हाँ। बड़ी है, बाहर से कॉम्पैक्ट बनाया। हाँ हाँ, आ जाने दो जब तक हम लोग देख लेते हैं। और एकदम टफ है कोई ऐसा है सर। आप दरवाजा खोल कर देखिए, हैवीनेस पता चल जाएगा। क्वालिटी वाइज तो अच्छी है। ओके, इसको खड़ी गाड़ी में भी एसी प्रॉपर चलता है ना? जी हाँ जी। तो जब तक मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, काफी अच्छा। ये टॉप एंड मॉडल है ना? जी हाँ। दिस वन इज अ फ्लैश मॉडल। स्पेशियस तो बहुत है, कहीं से भी मतलब फील नहीं हो रहा कि स्पेस की कमी है। पीछे साइड बैठोगे तो भी स्पेशियस है बहुत। हाँ, स्पेस तो बहुत अच्छा खासा है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, आप बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आराम से क्रॉस कर सकते हो। अच्छा, अभी कितना प्रैक्टिकल है वो एक बार को। प्लास्टिक है सब, है ना? सो इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ। सो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज कि थोड़े बड़े साइज में जाना चाहिए या स्मॉल में जाना चाहिए। बड़े साइज में जाने के लिए कैसा होता है ना सर, मुंबई सिटी। हाँ, जैसे मुंबई सिटी में आपको ड्राइव करना मीन्स बहुत ट्रैफिक होती है। हाँ, जैसे अभी हम आ रहे थे मुंबई से। हाँ, अभी जोगेश्वरी से तो बहुत ट्रैफिक थी सर, अभी हमारी छोटी कार है कर हम जल्दी पहुंच। हाँ, मेरे को भी यही एक्चुअली, अभी मेरे पास एसयूवी है। यस, जल्दी पहुंच गए। वो फुल साइज है तो उसमें थोड़ा। यस, और वही जगह पर अगर कोई बड़ी कार रहती ना, हमें और टाइम लगता था, आधा घंटा। अच्छा अच्छा। यस, अदरवाइज तो ये देखिए, ये है एसी वेंट और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में सब चीजें आ जाती है, जैसे कि एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड आई स्मार्ट भी दिया गया है आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये देखिए, एक अच्छी चीज है कि हम यहाँ से डायरेक्ट सीट पे इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। इट्स वेरी इजी, मतलब मेरे को हेक्टर तो बहुत अच्छी लगी, जबरदस्त इंटीरियर है। एक्चुअली मेरा पहले प्लान ये था कि हम लोग हेक्टर में अगर इलेक्ट्रिक ऑप्शन आता है तो वी विल गो फॉर दैट, बट अभी फुल एसयूवी में तो कोई भी नहीं है। ZSUV है हमारे यहाँ, बट मेरे को वो छोटी लगती है। आपका ट्रैवल कौन सा होगा सर, लॉन्ग ट्रैवल होगा या फिर? नहीं, हमारा ट्रैवल बहुत कम है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि स्कूल बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ना होता है ना समटाइम, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि थोड़ा आसपास घूमना है, तो उसके लिए बेस्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रैवल के लिए तो फिर एसयूवी है हमारे पास। जैनेट, अच्छा ये आपको 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ इसका। ये आपको ऐसे आगे चले जाए। बैठना भी बहुत आसान है, मतलब इतनी आसानी से वी कैन स्लिप इनटू द सेकंड रो, सो दैट इज वेरी गुड। हेलो, देख पीछे बैठ के देख। आहान कम, अरे देखो, अरे आओ। तो पीछे तो हाँ, सस्पेंशन भी अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे है। आप कोई भी, मैं बोल रहा हूँ ना सर, इजीली कोई भी बड़ा स्पीड ब्रेकर रहता ना, आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। हाँ हाँ, इजीली। स्टिल मेरे बैठने के बाद भी देखिए इतना स्पेस है इसमें, बॉक्सी लुक है, बट हाँ That will give you more roomy experience. And sir, another countries में आप देखते हो कार बहुत चल रही है। थोड़ा सा exterior देखेंगे। Space भी है। So exterior भी बहुत अच्छा है, बहुत appealing है। अच्छी issue।
बैग देख सकते हो, स्मॉल बैग्स रख सकते हो। हाँ, और अगर सेकंड रो नहीं यूज कर रहे हो, अगर आपको सेकंड रो नहीं यूज करना है, फुली फोल्डेबल है 50-50। हाँ, आप फुली फोल्ड कर सकते हो। अगर तीन जन रहते हैं तो हम सिंगल भी फोल्ड कर सकते हैं उसमें। अच्छा, तीन जन रहते हैं। देख जरा पीछे देख, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि प्रॉपर कार नहीं होगी मतलब जैसे देख के, लेकिन हाँ बहुत अच्छी खासी रफ एंड टफ है काफी। हाँ, देख जरा इन फ्रंट ऑप्शन दिया गया है, सो लाइट भी गाइस बहुत अच्छी है, एलईडी लाइट्स है, कॉन्टेक्टिंग लाइट्स है आपकी। अच्छा, जाके देख, बहुत अच्छा, मतलब एंट्री बहुत अच्छी है। अरे लोगो दिया गया है, ग्लोइंग लोगो है। अच्छा, आप अंधेरे में अगर कार कहीं भी खड़ी रहती है, अगर हम भूल जाते हैं कार कहाँ खड़ी की है, हम अनलॉक करते हैं कार तो आपका जो लोगो है वो जो है ग्लो होगा। ओके, और यही चार्जिंग पॉइंट भी है ना? यही चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है आपको यहाँ पर। एंड आराम से सर आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है कि हमारी बैटरी उतर गई है, आप 3-pin सॉकेट होता है ना 16 एम्पियर वाला, जैसे हमें फ्रिज में लगाते हैं वो वाले चार्जर देते हैं। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम आप बोलोगे तो अभी ड्राइवर साइड बैठ के देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला कैसे फंक्शन होता है सर? ये फंक्शन ऐसा होता है, हम अगर की रखते हैं जेब में, हाँ, जेब में की रखते हैं और हमारे डोर्स लॉक होते हैं, तो हम ये दबाकर प्रेस करके डोर ओपन कर सकते हैं। ओके ओके, सो देखिए इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज टेलिंग अस कि दो डोर ओपन है, देखो ये वाले डोर ओपन है, सो कंप्लीट इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन स्क्रीन मिलेगी। फिलहाल हम लोग बैठे हैं इस MG इलेक्ट्रिक में, द नेम इज कॉमेट, इट इज रियली ऑसम। 10-inch स्टीयरिंग भी है आपको। अच्छा, ये मतलब टेलीस्कोपिक या डाउन? टिल्ट। अच्छा, टिल्ट है, अप एंड डाउन कर सकते हैं। इतना ही है? यस, नीचे ऊपर ही है। इसमें तीन मोड्स भी दिए गए आपको, जिसे नॉर्मल मोड, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, थ्री मोड। वॉल्यूम अप, इट विल बी वॉल्यूम, इफ यू वांट सेट वॉल्यूम डाउन। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्टेड, कोई कमांड के साथ नहीं? ये तो बहुत अच्छा, मतलब कोई एक्टिवेशन के कोई बोलना पड़ता है या वॉल्यूम अप? अरे वाह, किसी की भी वॉल्यूम, जैसे हम बोलते हैं ना हेलो गूगल या फिर हेलो एलेक्सा, वैसा नहीं बोलना पड़ता। और ये क्या फैब्रिक से है? लेकिन ये गंदा जल्दी नहीं हो जाएगा? ये गंदा नहीं होता है सर जल्दी तो। अच्छा, इतना तो। एंड ऑल इन पियानो फिनिश। अच्छा, ये वॉइस कमांड, चल ट्रायल ले एक बार, चल बैठ, आजा पीछे आजा। ट्रेड में है जी, फिर रिवर्स, और रिवर्स है, देन यू हैव टू प्रेस ब्रेक फर्स्ट, देन यू हैव टू राउंड इन, दिस इज रिवर्स मोड, दिस वन इज अ ड्राइव मोड। ओके, नाउ वी आर रेडी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली उसको सेट कर दो, कुछ भी नहीं, सेट वी कैन चलानी है। यस, जैसे वो बच्चों वाली गाड़ी चलती है, इतना भी चला सकती हूं, बट फुल्ली ऑटोमेटिक है ना मैम ये? हां, बहुत बढ़िया, और टर्निंग भी बढ़िया है। यस सर, टर्निंग रेडियस सर 4.2 है। इतने में तो मैं एसयूवी रोक ही नहीं सकता था। रिवर्स बैक कैमरा भी आपको देखिए, बहुत अच्छा दिया गया है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। और इसमें 360 वगैरह है क्या? नो सर, 360 का ऑप्शंस खाली दिया गया है, अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। अच्छा, ऑप्शन है, और अगर आ जाता है तो वो क्या है, भले उसके लिए अलग से करना पड़ेगा? यस सर, उसके लिए अलग। अच्छा, वो एक्स्ट्रा कैमरा लगता है, इंस्टा 360 होता है, तो इंस्टा 360 यहाँ पर भी काम आता है, नॉट जस्ट इन ब्लॉगिंग। मुझे तो एक्चुअली ऐसा लगा था, मैंने सड़क पे चलाएंगे ना तो बस बस जो ऐसी गाड़ियाँ होती है ना जी, हाँ, वो तो इसको ऐसे ही दबा देंगे। नो सर, आप सर आप बहुत फास्ट भागती है कार, आप चलाइए, देखिए हम यहाँ पर। तो इनका इसमें एक आपको सेफ्टी फीचर्स वाइज आप देखोगे ना सर, डबल टैप सीट बेल्ट दिए गए, जिसमें आपका एक सिंगल हार्म होता है, देन डबल बार होगा ना तो आपका लॉक हो जाएगा बेल्ट। अच्छा, या ड्यूल एयरबैग्स दिए गए, अगर पानी भी भरता है कहीं पर और आपको ऐसा लगता है कि हमारी कार नहीं जा पाएगी, बट ये कार जा सकती है सर। अच्छा, पानी में 1 meter पानी में सर। अच्छा, 30 मिनट तक आप खड़े भी रख सकते हो। तो यहाँ हम थोड़ा सा भगाएंगे इसको, लेट्स चेक द स्पीड एंड द पावर ऑफ द कार, इट्स वेरी गुड, मतलब एक्सेलेटर पे पैर रखते ही भागती है, मतलब वैसे तो बहुत अच्छी है, साइलेंट कैबिन एकदम, कैबिन भी बहुत सारे। सस्पेंशन सॉफ्ट है ना, एसी भी गुड है ना?